हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज शुक्रवार है, अभी हम लोग जा रहे हैं कामाख्या स्थान और मैं हो गई हूँ तैयार। पूरा लुक तो बीच बीच में वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाएगा। जा रहे हैं कामाख्या मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे और पूरा अच्छे से शायद ना करा पाएँ क्योंकि नवरात्रि चल रही है ना, तो नवरात्रि में बहुत भीड़ होता है और मुंडन वाला ज़्यादा भीड़ होता है। ये हैं, बहुत समय बाद ये वाली साड़ी पहने हैं। साड़ी यहीं पे पहनने का, अगर चाहो तो यहाँ तो रोज़ साड़ी पहनो, लेकिन मैंने मम्मी का मेरा बस चले तो, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। और कभी कभी रहता है ना कि मौका रहता है तो अच्छा भी लगता है और साड़ी पहनना। तो अभी तैयार हो गए हैं, चलते हैं। रास्ते में थोड़ा बहुत रास्ते का व्यू दिखाएंगे और फिर मंदिर में। चल रहे हैं और अब बाजे की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देने की, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ भी हम लोग प्रसाद ले रहे हैं और पूरा मतलब बहुत दूर में है, लेकिन पूरा तो आज नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि काम था, मतलब पूजा का था। तो खाली रहने पे ना रहता है कि हर जगह जाके, जैसे यहाँ पे झूला भी बहुत बड़ा लगा रहता है और तालाब है, बहुत कुछ है, पार्क भी है, लेकिन नहीं मतलब कहीं भी जा पाए। जितना काम था यहाँ से प्रसाद लिए, फिर दर्शन करने के बाद पूजा। यहाँ से मंदिर का मेन गेट है और अभी ये सुबह 7:45 के लगभग में या 8 बज रहा होगा। घर से 7:30 में निकले हैं, हमारे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर। तो मतलब अभी उतना भीड़ नहीं है, अभी बस दर्शन करने वाले लोगों का है। गहमर में ये है, गहमर में कामाख्या मंदिर है, गाजीपुर ज़िला में आता है। तो जो लोग आसपास से होंगे ना इधर, चाहे बिहार के भी, बक्सर से, आरा से यहाँ तक होंगे ना, तो उनको पता होगा। और जिनको नहीं भी पता होगा तो वो एक बार यहाँ आके मतलब जो भी अपना मन्नत हो मतलब पूरी हो जाती है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मुझे तो लगा कि मतलब माता रानी का पूरा अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया होगा, लेकिन आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर। ये मंदिर के बाहर का देखिए, अभी लाइन लगा हुआ है। अभी ये सब जितना खाली दिख रहा है ना, बस थोड़ी देर में ही पूरा जब मुंडन आ जाएगा तो पूरा बहुत भीड़ हो जाता है। तभी हम लोग दर्शन कर लिए हैं और फिर अब कोई इच्छा भरना है तो पहले तो साड़ी में जो भी पूड़ी और गुलगुला और चना, बतासा, लौंग, इलायची, जो भी सामान मतलब रहता है, इसको लेके पहले वहाँ चढ़ा देंगे। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सब कुछ है, इसको पहले माता रानी को चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 7 सुहागन को भरना है। तभी यहाँ पूजा कर लिए हैं, फिर और जो भी देवी देवता हैं सभी पे इसी तरह से पूड़ी और जो गुलगुला बनाए हैं, चना, बतासा, सब कुछ लेके सबको चढ़ा लेंगे। तो ये यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं और नाम नहीं पता कौन कौन सी हैं, 3 देवी यहाँ भी हैं। और उसके बाद ये नीम का पेड़ है तो ये वहाँ भी पूजा करते हैं। और फिर सब पूजा करने के बाद यहाँ पे पहले संकल्प छुड़ाएंगे और फिर हवन कराएंगे और उसके बाद चल के जो 7 सुहागन वाला पूजा करना है वो करेंगे। यहाँ पे हवन हो रहा है, संकल्प हो गया। यहाँ पे देखिए 7 लोग हैं और सभी लोग मेरे घर के ही हैं। एक बड़ी मम्मी हैं और एक चाची हैं और बाकी सब भाभियाँ हैं, तो मेरे घर के ही सब लोग हैं। और मुझे छोड़ के था तो पहले तो इन लोगों का पैर धोना मतलब हो रहा है और फिर उसके बाद मतलब जो भी पूजा होगा। मैं भी ये पूजा पहली बार देख भी रही हूँ और कर भी रही हूँ, कभी किसी का नहीं देखी हूँ। और ये जो जगह है जहाँ पे ये पूजा हो रहा है ना, पिछली बार इसी जगह पे बैठ के मुंडन हो रहा था,
जब पिछले साल का जो आप मुंडन का वीडियो देखे होंगे, जो लोग नहीं भी देखे होंगे ना तो आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा मुंडन का था। और उसके बाद पैर, मतलब पैर पछाड़ना बोलते हैं, उसके बाद सबको सिंदूर लगा के और फिर वही पूड़ी और गुलगुला, चना, बतासा, लौंग, इलायची, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, तो यही सब रहता है। तो ये मतलब सबको दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का कभी भी पूजा करो, ज़रूरी नहीं होता कि आप मन्नत माने या कुछ ऐसा करें तभी मतलब करें, जब मतलब हो पाए जितना आप कर पाएँ। तो अभी देखिए पूरा मतलब खोइछा भरने का हो गया है, तो ये अचवन बोलते हैं इसको, मतलब उठाना एक तरह से, तो वही है। और उसके बाद आशीर्वाद लेके, तो इस तरह से किसके यहाँ इस तरह से पूजा होती है बताइएगा। अभी वहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं थोड़ा बहुत नाश्ता करने के लिए, इधर सब दुकानें लगी हुई हैं और पहले से बहुत चेंज हो गया है। मतलब हमारा तो खैर 14-15 साल छूटे हो गया, अब तो बीच बीच में ही आ पाते हैं और एक बार जब भी आते हैं तो दर्शन तो ज़रूर करते हैं। और यहाँ सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो यहाँ का छोला, अगर हम लोग यहाँ आए और छोला ना खाए ये मतलब नहीं हो सकता। तो ये छोला देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा है, जो भी मतलब मेरे आसपास के होंगे उन लोगों को तो मतलब हो ही रहा होगा कि कामाख्या स्थान का छोला मतलब बहुत पसंद है हम लोगों को। और जो भी यहाँ आते हैं तो ये छोला तो ज़रूर खाते हैं, समोसा डाल के मिलता है, बहुत बहुत पसंद आता है हम लोगों को। तो जिसको भी इस छोले की याद आ रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और जिसके मुंह में पानी आ रहा हो वो अपने घर में बना के खा ले या फिर अपने आसपास में जहाँ भी छोला मिलता हो तो मंगा के खा ले या फिर वहाँ जा के खाए। और यहाँ तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, और ये उसके बाद छोला के बाद जलेबी खाए थे और अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और उसके बाद ये पूजा के लिए ये जो बिंदी है ये मंदिर में चढ़ाना था मुझे, तो यहीं पे चढ़ता है। तो पहले हम लोग पूजा कर लिए क्योंकि भैया को आने में थोड़ा देर लग रहा था, तो भैया के आने के बाद वो वहाँ पे नाम लिखवाया जाता है तो वो कर लिए। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से ही निकलते हैं। तो ये रास्ते का व्यू है, तो मंदिर से घर का जो 3 किलोमीटर की दूरी है ना, तो खेत है, गेहूं की खेती लगी हुई है। तो ये हमारे घर के बगल की गली है, बस यहाँ से एक गली और। अभी हम लोग घर आ गए और भाभी लोग लग गई अपने किचन में, जिसका जो काम होता है ना। अब यहाँ पे मेरा किचन का तो काम है नहीं, अब इन लोगों को ये हो गया। वैसे तो हम लोग खा के आए हैं, भैया लोग भी मुंडन में हैं तो उधर उन लोगों का खाना हो ही जाएगा, बट तो ये लग रहा है इन लोगों का कि बच्चे दोपहर में मांगेंगे ही तो क्या देंगे बच्चों को, तो लगे आज बना के तब रेस्ट करें। थक गए सुबह के हम लोग 4:30 बजे से, तीनों लोग मतलब तीनों क्या चारों लोग उठे थे। मम्मी तो रात में बीच बीच में चिल्ला रही थी, उनको लग रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तुम्हारा अलार्म ठीक से लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी, लेकिन सब अच्छे से हो गया। हम लोग तो इसको खोइछा भरना बोलते हैं और पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मेरा था मन्नत जैसा, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मन्नत मानी थी या कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और जब मेरे पास मतलब ये रहता है ना कि मुझे मतलब कर पाएँ तो कर दें, कुछ ऐसा मन्नत जैसा नहीं मन्नत है। बेटा मेरा खूब मस्ती कर रहा है, खूब ना बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है ना, चलना है, है? नहीं इसको नहीं जाना है, खूब अच्छा लगता है। इन लोगों को अकेले जो घूमते हैं ना कहीं घर से बाहर नहीं, और ये कि ये है ना कि पूछ के नहीं निकलना है, जब चाहे तब निकल सकते हैं। और वहाँ पर क्या रहता है ना कि अपने मन से तो गेट पे बाहर खोल भी नहीं सकते हैं गेट, तो यहाँ ये चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। खूब घूम रहे हैं ना, थके नहीं आप लोग? सुबह से उठे हैं ये लोग भी, इन लोगों को 6 बजे से उठाए थे जब सब लोग नहा लिए, उसके बाद इन लोगों को उठाए थे। और ओम और ऋषभ यही दो लोग वीडियो बनाए हैं, वीडियो चेक भी नहीं किए हैं कि किस तरह से बच्चे बनाए हैं, क्योंकि समय नहीं था और भीड़ का भी था ना, जब हम लोग
पूजा पूरा हो गया तब मुंडन आने लग गया। अगर मुंडन का हो जाता ना तो फिर अपना पूजा करना, खोइछा भरने वाला काम मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिए कि ये वाला काम हो जाए। जैसा भी बनाए हैं आपके साथ शेयर कर दिए, तो इसी के साथ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो अब आराम करेंगे, साड़ी चेंज करेंगे और फिर आराम करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मेरी दोनों भाभियाँ पीछे से चिढ़ा रही हैं मुझको, यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे अभी शांति है, सब लोग लगभग, कुछ लोग कामाख्या स्थान है, कुछ लोग थक के आए हैं, लेकिन ये दोनों खड़ी हैं चिढ़ा रही हैं हमको। तो अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए फिर बाय।